ये क्या? एक और ग्लास। लगता है जैसे कहीं सेल लगी हो। शर्मा जी, शर्मा जी, ये देखो एक और ग्लास। पहले कितने ग्लास आ चुके हैं? परेशान कर रही हूँ, 5 मिनट चैन से बैठ भी नहीं सकता। मुश्किल से अभी घंटा बढ़ता है पास। किसने कहा था गिफ्ट खोलती हूँ, उन्हें अलमारी में बंद कर दो? ये चांदी के आइटम यहाँ रखने का मतलब समझती हैं आप मिसेस शर्मा? चोर उचक्का को घर में आने की दावत दे दूँ? आपको तो चारों तरफ चोर उचक्के ही नजर आते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? अभी याद नहीं वो गांव वाला क्या कह रहा था उस वक्त? कान के बहुत कच्चे हो, 1000 बार का अफवाहों पर कान न दिया करो। और तुम लोग हर अफवाह बोलो बोलो, तुम खुद ही बताओ, आपके बिना धुआं हो सकता है? नहीं। अरे जब कोई ना कोई सच्ची बात होती है तभी तो अफवाह फैलती है। और भाई फिर ये थोड़ी सी एहतियात बरत लेने में कोई नुकसान है क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ ना, और जाके देख के आओ आपने अलमारी में कितने और ग्लास रखे। हाँ ये कर दे, ये कर दे। एक और ग्लास। ग्लास, इतने सारे ग्लासों का क्या करेंगे? तुम्हारे ख्याल से स्वामी दयाल इन्हें एक्सचेंज कर देगा? स्वामी दयाल मेरा चाचा तो है नहीं। एक्सचेंज कर ट्राई कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ जी, ग्लास बदलने के लिए ग्लास तो चाहिए, अगर चोरी हो गई तो। ओफो, चोरी हो गई नहीं तो इन्हें उठाकर ना अलमारी में बंद कर दो। इतनी खूबसूरत चीजों को अगर हम डिस्प्ले नहीं कर सकते तो इनका फायदा क्या? माय डियर मिसेस शर्मा, फायदा है फायदा, छोड़ नहीं जाएगा। हेलो जी, कौन? अजीत? कहां से? जोधपुर। एयरपोर्ट से बोल रहे हो? सीधे यही आओगे क्या? यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? 25 मिनट बस। यही 25 मिनट, आधा घंटा। हाँ ठीक है, अब कहीं ये भी सिल्वर ग्लास ना ले आए। ये तुमने ठीक सुना है ना, वो अजीत आ रहा है। अजीत? हाँ यही तो कहा था, होगा तुम्हारा कोई कजन वजन। अरे अगर वही है तो कोई मामूली कजन नहीं है, वो अपनी फूलो आंटी है ना, फूलो आंटी। अरे वही जो पिछले साल अपने यहाँ वो महाकंजूस, ये अजीत उन्हीं का है भतीजे? हाँ उन्हीं का है। तभी ऐसे समय में आ रहे जब सारे होटल्स बंद हो गए होंगे और अब सोएगा भी है। और अगर वो फूलो आंटी का भतीजा है तो देख लेना, कोई गिफ्ट भी नहीं लाएगा। गिफ्ट? फूलो आंटी ने इसका क्या नाम रखा है? अजीत द स्नैचर, चोर अजीत। बस शीला आंटी ने कह दिया और तुमने मान लिया, उनकी तो आदत ही है जरा सी अफवाह को नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर सारी दुनिया में फैला देती है। अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आंटी ही नहीं, सभी लोग उसको यही कहते हैं। नहीं नहीं, he is kleptomaniac। हाँ? वो चोरी करता है, मतलब किसी अपने फायदे लाते के लिए नहीं, बस आदत के तौर पर। देखो उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन